अगर आपको YouTube से पैसे कमाने और फेमस फेमस होना है तो YouTube की नज़र में सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए टू स्टार्ट दैट जर्नी, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम. To qualify for YPP, you need to be in good standing with YouTube and have 4,000 valid public watch hours in the previous 12 months and at least 1,000 subscribers. Now, we've set these thresholds because we want creators to be good citizens on the platform. Good citizens on the platform. YouTube are done. No! तेरा भाई और कौन? इस कैंसर की वजह से बहुत सारे कैंसर पैदा हो गए. गौरव नाम है दुनिया जाने. I'm Amazon. Clickbait, show off और repetitive titles. सामने पड़ा जो भी हमने खोद दिया उसकी को. So what is up guys? My name is Angad. Welcome back to another video. And आज की इस वीडियो में we are talking about subscribers and watch time to get monetized on YouTube. अब इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगा कि किचन में जाओ, चाहे मैगी ले आओ, पॉपकॉर्न ले आओ या साबुदाने की खिचड़ी ले आओ, आई डोंट केयर, बट कुछ ले आओ अपने सामने क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है. गेट अ स्नैक, बट ये पूरी वीडियो वर्थ इट होने वाली है. एक मिनट भी मिस मत करना क्योंकि इस वीडियो में ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा विच विल इम्पैक्ट योर ग्रोथ ऑन यूट्यूब फॉर एवर. मैं ऑमलेट खाऊंगा. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्या आपको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए या नहीं. एंड वेल, काफ़ी लोगों को यूट्यूब इसलिए भी नहीं स्टार्ट करना क्योंकि उनको पता है कि पैसे कमाना शुरू करना भी बहुत टाइम लगाता है. तो अब आपको पता चल गया आपको क्यों ज़रूरत है इस वॉच टाइम की और इस सब्सक्राइबर काउंट की. तो बात करते हैं आप कैसे इन्हें पा सकते हैं. तो बिल्कुल हर स्टेप को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के सिंपल करके शुरू करते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन टॉपिक विच इज़ सब्सक्राइबर्स. एंड अगर कोई फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है यहाँ पे जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं और सोच रहे हैं इस बंदे के तो खुद 7,000-8,000 सब्सक्राइबर है, ये हमें क्या सिखा रहा है. वेल, आई हैव अनदर चैनल विद 2,60,000 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ. मैं 2009 से गलतियाँ कर रहा हूँ, 5-6 चैनल बना चुका हूँ, अभी भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मेरी ग्रोथ के पीछे कुछ कहानियाँ कुछ राज हैं विच आई एम ओपन टू शेयरिंग विद यू. अगर मैं आपको बोलूं मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूं, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? द आंसर टू दैट इज सब्सक्राइबर्स. आप यूजली जज करते हो सबसे बड़े चैनल को कि उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये नहीं कि उसके व्यूज कितने हैं, उसके लाइक्स कितने हैं. आप सिर्फ देखते हो उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं. और सब्सक्राइबर्स काइंड ऑफ वो लोग होते हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं, जो आपके आगे जाके फैंस बनते हैं. तो आज आपके चाहे 0 सब्सक्राइबर हो, कल को 100, 10,000, 10,000, 1,00,000 भी हो सकते हैं. और YouTube आपको एक तरीके से इंकरेज भी करता है कि अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइबर लाओगे आपको कुछ काइंड ऑफ अवार्ड्स मिलेंगे. नहीं समझे? एक सेकेंड. आई एम श्योर आपने ये चीज़ तो देखी होगी, ये है YouTube का सिल्वर प्ले बटन जो उन लोगों को मिलता है जो YouTube पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेते हैं. और जब वो 10,00,000 या 1,000,000 करते हैं तो उनको गोल्ड मिलता है, और जब वो 10,000,000 कर लेते हैं तो उनको एक डायमंड मिलता है, डायमंड प्ले बटन. तो एज यू कैन सी YouTube डज प्रमोट हैविंग मोर सब्सक्राइबर्स. बट हमें जानना है कि हम अपने पहले 1,000 सब्सक्राइबर कैसे करें. कुछ के तो 100 भी नहीं हुए हैं, तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. और एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ, सब्सक्राइबर्स से आपको पैसे नहीं मिलते. सब्सक्राइबर वो इंसान होता है जो आपकी वीडियो देखे, उसको पसंद आए और वो सोचता है कि भाई इस बंदे ने सही बात करी है और अगली बार ये कोई वीडियो निकालेगा मुझे जानना है. तो क्या करता है वो, वीडियो के नीचे स्क्रॉल करता है, एक मस्त लाल बटन होता है, एक सेकंड ले लो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, एक नीचे लाल बटन होगा जिसपे लिखा हुआ सब्सक्राइब, वो वाला बटन दबा देता है. उसे दबाते ही उसको ऑप्शन मिल जाता है कि मतलब भाई अगर मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है कि अंगद भाई YouTube का मस्त ज्ञान दे रहा है या दूसरे चैनल में फोटोग्राफी का मस्त ज्ञान दे रहा है. एंड जब भी अंगद नई वीडियो लाए मुझे जानना है, मुझे ये बंदा पसंद है, आई डोंट वॉन्ट कि मैं इसकी कोई भी वीडियो छूटे मुझसे, एंड मैं एक तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब. सब्सक्राइब कोई नई चीज़ नहीं है, कोई फैंसी टर्म नहीं है. आपके घर जो अखबार आता है आपने उसको भी सब्सक्राइब किया हुआ है. आपके घर अगर कोई मैगजीन आती है हर महीने, आपने उसे भी सब्सक्राइब कर रखा है. उसी तरीके से यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो बनाते हो और आप सब्सक्राइब हो उसको, वो आपको एक हक से वो वीडियो दे सकता है. तो सब्सक्राइबर्स का सिर्फ यही फ़ायदा है. दूसरा, अगर आप एक तरीके से देखो तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का बस ये फ़ायदा है कि जब भी आप नई वीडियो निकालोगे तो उतने लोग, मान लीजिए
हजार के हजार सब्सक्राइबर देखें तो आपको गारंटीड है कि हजार लोग तो इंटरेस्टेड हैं आपकी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जब वो सब्सक्राइब्ड है और आप नई वीडियो डालते हो तो उनको एक नोटिफिकेशन आता है उनके फोन पे या कंप्यूटर पे कि भाई नई वीडियो आई है, जाके देख लो। तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज हाउ टू गेट दीज सब्सक्राइबर्स। गाइस एक सेकंड ना मेरी उंगली देखते रहना, ठीक है? अब यहाँ दिख रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बस देखते रहो, कुछ मतलब नहीं बनाना इसका। वेल है, अब चांसेस हैं कि जिस जिसने ये देखा उसने मेरी उंगली फॉलो करी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला, और क्या स्टूपिड ज्ञान है, बट यस, अगर आप अपने व्यूअर्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं दैट दे सब्सक्राइब टू यू। अभी मैंने एक दो मिनट पहले भी बोला था कि गाइज जाके सब्सक्राइब कर दो, और आपको पूरा सब्सक्राइब का प्रोसेस समझाया था, आपको एक रीजन दिया मैंने और कुछ करने के लिए दिया। सिमिलरली आप अपने व्यूअर्स को बोलो यही करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा नहीं है कि दे नॉट एंजॉइंग योर वीडियो, बट दे नीड अ रीजन टू डू सो। काफी लोग, इवन अगर मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में चला जाऊं, मेरे बहुत व्यूअर्स हैं जो काफी वीडियोस मेरी बैक टू बैक देखते हैं बट दे नॉट सब्सक्राइब्ड। बहुत स्टूपिड साउंड करता है, बट आप खुद सोचो आप कितने यूट्यूबर्स को बहुत वीडियोस देखते हो बट शायद सब्सक्राइब नहीं हो। अभी सारी डिटेल्स आपकी यूट्यूब के एनालिटिक्स में होती है, बट नहीं घुसेंगे हम उसमें, इसमें हम अलग डिटेल्स की बात कर रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो बना रहे हो उसमें सिंपली आप टुवर्ड्स द एंड और टुवर्ड्स द मिडिल बोल सकते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है जाके सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दो। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। नंबर टू इज सिंपल, आप ऐसा कोई एनिमेशन लगा सकते हो अपनी वीडियो पे बीच बीच में जिसमें लोगों को इंकरेज कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और इसका फायदा ये है कि लोग देख रहे हैं कि एक ऐसे कुछ आके सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसी एनिमेशंस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, या तो आप किसी से डिजाइन करवा सकते हो बाय पेइंग देम। शुरू के दिनों में प्लीज शर्माओ मत, आपकी फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके दोस्त, आपका परिवार, इंग्लिश हिंदी, वही आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे। तो मम्मी पापा भाई बहन दोस्त दोस्त के दोस्त सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए शुरू शुरू में। अब हजार तो ऐसे होने नहीं वाले, बट कम से कम शुरू हो जाएगा, क्योंकि YouTube सब्सक्राइबर शुरू में बहुत मुश्किल लगते हैं कमाने, क्योंकि पहले 100 सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल थे, बट जब 100 हो जाते हैं तो अगले 100 बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर 1000 हो जाते हैं, 1000 के बाद 10,000 बहुत आराम से हो जाते हैं। एक टाइम पे मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में इतनी दिक्कत होती थी, महीने लग जाते थे, एंड आजकल कभी कभी एक दिन या दो दिन में हो जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आप जितना बढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे, या फिर इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप एक छोटा सा बर्फ का एक गोला लेके अगर उसको एक स्नोबॉल हिल पे स्लाइड कर दो तो नीचे आते वो बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वैसे ही द मोर यू ग्रो उतना आपके सब्सक्राइबर्स के नंबर भी ग्रो हो जाते हैं। सो आपको सिर्फ वो शुरू शुरू का ग्रोथ देना है, एंड दैट मीन्स बेशरम होके टेल योर फ्रेंड्स टू शेयर, टेल योर फैमिली टू शेयर, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब। अब आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे, जो है एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो कहते हैं ग्रोथ। सब्सक्राइबर्स पाने के लिए आपको दो चीजें जाननी है, आपका सब्सक्राइबर कौन है और उसको आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। तो इस चैनल की अगर बात करें तो मैं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स वो लोग हों जिनको यूट्यूब पे ग्रो करना है और जिनको यूट्यूब पे हेल्प चाहिए टू ग्रो और रादर सस्टेन इट। तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सर्टेनली जिन लोगों को यूट्यूबर बनने में इंटरेस्ट नहीं है वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे और ना उनके सब्सक्राइब करने का फायदा है। बट ऑन द अदर हैंड जो लोग यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस है, एंड मुझे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ बदले में मिल रहा है विच इज नॉलेज। अब आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आपकी ऑडियंस हो सकती है ऐसे लोग जो आपकी कहानियों से रिलेट करें, और उनको बदले में क्या मिल रहा है, या तो इन्फॉर्मेशन या फिर एंटरटेनमेंट, और ये वही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं ये चीज़ अच्छी थी, ये मुझे एंटरटेनिंग लगी या ये मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और मुझे और चाहिए तो आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब। और इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा आप कैसे टाइप की वीडियोज़ बनाते हो, उसे कहते हैं अपना नीश सेलेक्ट करना। अगर आज मैं एक वीडियो बनाऊं हाउ टू मेक बटर चिकन और उस पर एक मिलियन व्यूज ले लूं और लेट से 10,000 सब्सक्राइबर आ गए, और कल मैं वीडियो बना रहा हूं गाइज दिस इज माय आईफोन रिव्यू, पहले दिन पे जो लोग सारे आए थे वो बटर चिकन के लिए आए थे, तो वो मेरी ऑडियंस थी जिसको कुकिंग या फूड में इंटरेस्ट है एंड इज सब्सक्राइब टू मी थिंकिंग आगे तो यही आने वाला है। बट देन मैंने सोचा यार अब तो सब्सक्राइबर आ गए हैं, इनको धोखा करता हूं, मैं फ़ोन की वीडियो बनाऊंगा। 9 out of 10 times this will not be successful, and वो सारी notification जो उन हजार लोगों को जाएगी they'll be like, नहीं यार नहीं देखना मुझे phone में interest ही नहीं है मेरे को। So that is why you need to be very careful कि आप किस चीज़ पे video बना रहे हो, आप किसके लिए video बना रहे हो, और आपका content बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो।
अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अगर आप अपनी वीडियोस की बात करो तो ऐसी वीडियोस बनाओ जो लोगों को अच्छी लगे। अब इतने में इतनी अजीब अजीब बातें नहीं करूंगा कि अच्छी वीडियोस बनाओ, सबको पता है अच्छी वीडियोस बनानी है, पर शुरू के फेज़ में कुछ ऐसी वीडियोस बना लो जो आपको पता है ज़्यादा व्यूज़ ला सकती हैं। और यहाँ पे बात आती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। आपको पता है, मुझे पता है, जब सितंबर अक्टूबर में नया आईफोन आता है, लोग उस टाइम पे आईफोन पे कितनी सारी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है उस टाइम सब आईफोन के बारे में सर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। या फिर जब भी कोई सिंगर किसी नए गाने की कवर करता है तो उसको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो गाना चल रहा है उस टाइम पे। सिमिलरली अगर आप देखो कि आपके जॉनर में क्या है, शायद आप गेमिंग चैनल हो और कुछ नया चल रहा है गेमिंग कम्युनिटी में, चाहे नई गेम आ रही है या फिर आपके पॉपुलर गेम में कोई नया मोड आ रहा है या कोई नया चैलेंज आ रहा है, अगर आप उस पर वीडियोज़ बनाओ तो एटलीस्ट आपको उस इनिशियल फेज़ के लिए ज़्यादा अटेंशन मिल सकता है। तो यूट्यूब पे जाओ, देखो क्या वीडियोस चल रही हैं एंड उस हिसाब से फिगर आउट कि आप क्या बना सकते हो। या तो नया कंटेंट लाओ या फिर कंटेंट को नए तरीके से लाओ। अब काफ़ी लोग इतने में लिखेंगे कि यार सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब कर लेते हैं, वाई नॉट। इनफैक्ट बोलना क्या है, चाहे मैं पूरी वीडियो बना दूँ, नीचे कॉमेंट्स में आना ही है, गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू सब्सक्राइब टू मी, आई सब्सक्राइब टू यू, सपोर्ट। अब वाइल सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, इनफैक्ट अच्छा आइडिया है, बट इट्स नॉट अलाउड। इनफैक्ट यूट्यूब की गाइडलाइंस में भी है कि सब फॉर सब इज नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट अलाउड, बट 9 out of 10 टाइम्स किसी को भी इतना फायदा नहीं होता जितनी मेहनत लगती है इसमें, एंड किसी को भी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते। इनफैक्ट अगर मान लो 10 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर भी दिया, बहुत कम चांसेस है कि वो मेरी वीडियो कभी भी देखेंगे। ये सब बकवास करने से अच्छा एक तरीका बताऊंगा जो आई एम श्योर आपने सुना है बट शायद यूज नहीं करते, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द कम्युनिटी ट्रिक्स, वो है कोलैबोरेशंस। मेरे पास 100 सब्सक्राइबर हैं, ये सारे 100 अलग लोग हैं, आपके पास भी 100 सब्सक्राइबर हैं, ये सारे अलग लोग हैं, हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते हैं, मेरे 100 सब्सक्राइबर आपके पास है, आपके 100 सब्सक्राइबर मेरे पास है। अब एक असली दुनिया में ये नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कितने लोग आते हैं जाते हैं, बट सब्सक्राइबिंग बेस्ड ऑन कोलैबोरेशंस इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनी कोलैबोरेशन। दोनों चैनल्स को आसपास के एक लेवल पे होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल 500,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ कोलैबोरेट करेगा तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बस मुश्किल है। रीजन बीइंग, कोलैबोरेशन में दोनों साइड को फायदा होना चाहिए। अब जो 500,000 वाला चैनल है उससे शायद कुछ लोग उछल के 5000 वाले चैनल पर आ जाएं, वो इस बंदे की दिलेरी है जो इसने ये किया, बट ये सब्सक्राइबर वाला इस वाले को ऑलमोस्ट कोई फायदा नहीं दे सकता, मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं, बट डेफिनेटली अगर कुछ कंटेंट ऐसा हो विच इज़ अमेजिंगली हेल्पफुल तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। बट ट्राई करो कि आप कोलैब ऐसे ही चैनल के साथ करो जो आपके सेम लेवल पे हो और आपका सिमिलर कंटेंट हो, क्योंकि अगर इस बंदे को सब्सक्राइब किया है कुकिंग वीडियोस के लिए या कॉमेडी वीडियोस के लिए और इस चैनल पे भी ऐसा ही कंटेंट है, तो ज़्यादा चांस है कि ये लोग बोलेंगे अरे ये तो वही कंटेंट है जो हमें अच्छा लगता है और ये भी बना रहा है, तो चलो इसका भी देखते हैं। तो गाइस आई होप यू हैड अ नाइस कॉफी ब्रेक, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, और ये वीडियो मैंने 12 बजे शुरू की थी दोपहर को फिल्म करना, एंड अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 8:30 बजने वाले हैं, तो पूरा दिन चला गया इस वीडियो में, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट अगर आपका प्यार रहा। सब्सक्राइबर्स तो हो जाएंगे, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के 1000 सब्सक्राइबर हो भी गए हैं। अब बात करते हैं खतरनाक चीज़ की, वॉच टाइम। नहीं रुको, लेट्स टॉक अबाउट 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, 4000 घंटे। हे सीरे, कन्वर्ट 4000 आवर्स इनटू डेज। 4000 आवर्स इज 166.67 डेज। मजाक हो रही है ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मतलब 4000 घंटे काफी होते हैं, और यहीं पे लोगों की व्हाट्स द करेक्ट वर्ड टू यूज फट जाती है। बट यहाँ मेरा काम आपको डराना नहीं है, बट इनफैक्ट सोल्यूशन बताना है। 4000 वॉच आवर्स इज अ लॉट, पर एक चीज जो लोग ध्यान नहीं देते, आपको 1000 सब्सक्राइबर और ये 4000 वॉच आवर्स 365 डेज यानी कि 12 महीने यानी कि एक साल के अंदर करना है। एंड इट इज पॉसिबल कि ये सब कुछ आप एक हफ्ते में भी कर लो, इट इज पॉसिबल आप 10 दिन में भी कर लो, कोई लिमिटेशन नहीं है, पर एक साल पड़ा हुआ है आपके पास। ज़्यादातर लोग स्ट्रगलिंग फेज में
एक या दो महीने के अंदर आराम से ये गोल मीट कर सकते हैं। तो अभी वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट द वॉच आवर्स। तो सबसे बड़ी टिप टू गेट दीज वॉच आवर्स इज टू मेक लॉन्गर वीडियोज। आपको कोशिश करनी है कि अपनी वीडियोज 10 मिनट से ज्यादा बनाओ। उसके दो फायदे हैं। इवेंचुअली जब वीडियोस मोनेटाइज हो जाएंगी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो उन वीडियोस पे, बट अभी एवरी मिनट काउंट्स। बट ये आपको ध्यान रखना है कि आप उस टाइम में प्योर कंटेंट दे रहे हो और टाइम नहीं वेस्ट कर रहे किसी का, क्योंकि ऑडियंस का टाइम बहुत जरूरी है। अगर आप एक दो मिनट की वीडियोस बनाते हो तो आपको बहुत सारे व्यूज चाहिए होंगे टू गेट द वॉचर्स, बट अगर आप एक लंबी वीडियो या पांच लंबी वीडियोस बनाते हो तो इट इज ईजियर। अब मेरा दोस्त यश गर्ग, वो यूजली म्यूजिक कवर्स डालता है, उसके म्यूजिक कवर्स आर नॉट मोर देन 2 मिनट्स लॉन्ग, पर उसको व्यूज इतने सारे आए थे दैट ही हिट द गोल रियली रियली सून। ऑन द अदर हैंड मेरा दोस्त है रोहन, उसका चैनल है फिंग, उसने भी एक सेकेंड चैनल खोला कॉल्ड फिंग एक्स्ट्रा, उस पर उसकी वीडियोज लंबी थी एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, तो कॉम्बिनेशन में ही ऑल्सो गॉट द माइलस्टोन रियली रियली क्विक। दोनों रोहन और यश को अपनी मोनेटाइजेशन मिल गई थी विद इन 1 to 2 weeks। यश और रोहन को दोनों को विद इन 1 to 2 हफ्ते दोनों चीजें मिल गई थी, 1000 सब्सक्राइबर भी और 4000 वॉच आवर्स भी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों यश और रोहन के पास थोड़ा सपोर्ट था। यश का नया चैनल था बट मैं और रोहन सपोर्ट कर रहे थे, और रोहन के नए चैनल पे उसके पास अपने पुराने चैनल से सपोर्ट था। बट इवन देन द वीडियोज दैट दे अपलोडेड इन जनरल वर गेटिंग वे मोर व्यूज जितना हम दे सकते थे, तो ऑब्वियसली कुछ तो सही चल रहा था। तो आपको करना ये है, ऐसी वीडियो ढूंढो जिसपे आपको पता है व्यूज आएंगे, या तो किसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या कुछ एंटरटेन करते हुए, एंड वो वीडियो लंबी बनाओ। मेरे इस चैनल पे आई डू नॉट हैव मोनेटाइजेशन, और ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा गोल है इस पे मोनेटाइजेशन ऑन करने का। एज ऑफ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 300 वॉच आवर्स के शायद नीचे ही है, बट हियर इज माय वॉच आवर्स राइट नाउ। इस चैनल पे मोनेटाइजेशन थी, पहले थी, बट बिकॉज मैंने अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी थी, वो वीडियोस पब्लिक नहीं थी, आई लॉस्ट मोनेटाइजेशन। तो ये वीडियो लगभग 20 मिनट की होने वाली है जिस हिसाब से मेरा अंदाजा चल रहा है, एंड वी विल फाइंड आउट, यू एंड मी विल फाइंड आउट कि इस वीडियो के कितने दिन बाद डू आई गेट मोनेटाइजेशन। Note that you can only apply to YPP after you cross the watch hour and subscriber thresholds. We'll keep you updated on your progress towards hitting these thresholds in the monetization tab in YouTube Studio. You can also choose to be notified with an email once you're eligible to apply. Once your channel does hit these thresholds, you'll need to sign the partner program terms and sign up for a Google AdSense account. After all of these steps are completed, then your channel will be reviewed against our policies. And if everything looks good, you can start earning money from ads and from YouTube Premium subscribers watching your content. अपने वॉच टाइम गोल्स को जल्दी करने के लिए नंबर वन टिप तो मैं आपको दे चुका हूँ कि लंबी वीडियोस बनाओ। नंबर टू, ऐसी वीडियोस बनाओ जो सिर्फ लंबी ना हो बट लोग लंबी देखें। ऐसे में मैंने देखा है कि इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और कहानियां यूजली लोग एंड तक देखते हैं। आपको अपनी वीडियोस ऐसी प्लान करनी है कि लोग एंड तक देखें। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी मैंने देखा लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। इनफैक्ट कुछ चैनल्स ने 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करी है एंड उनको अटेंशन मिला एंड दे मैनेज टू हिट देयर गोल्स वेरी वेरी सून। अब ना यूट्यूब ना आपकी ऑडियंस बेवकूफ है, तो प्लीज 2 मिनट की वीडियो बना के उसके सामने गाने मत चला देना ताकि वॉच टाइम आ जाए। ऑल्दो कुछ लोग वो भी करते हैं, बट ये आपकी ग्रोथ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। अब मैक्सिमम व्यूज और रीच के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, चाहे फेसबुक चाहे यूट्यूब, प्रेफरेबली यूट्यूब एंड गूगल, आप इस वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। अब ये एक पेड ऑप्शन है और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं घुसूंगा, बट सिंपली आप अपनी वीडियो पे उसका ऐड बना सकते हो एंड यू कैन प्रमोट इट वाया यूट्यूब और यू कैन प्रमोट इट वाया फेसबुक। उस पर 100-500 लगा के अपने 2-3 दिन का, एंड उससे जितना अटेंशन आप ले सकते हो इट विल बी फास्टर फॉर यू एंड इट इज़ 100% लीगल, तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है। सो गाइस, आज नहीं तो कल आपके गोल्स पूरे मीट हो जाएंगे और तब ये मेहनत कुछ नहीं लगेगी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना टाइम आप लगाने वाले हो और कितनी मेहनत देने वाले हो। अब जितनी मेहनत दोगे उतना कम टाइम लगेगा, नंबर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, इट जस्ट टेक्स टाइम। आप कॉन्टेंट पे फोकस करो, नंबर्स सारे खुद आएंगे, बट स्मार्ट प्ले करो। उसी के साथ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट इज द नेक्स्ट वीडियो यू वुड लाइक टू वॉच, एंड मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए आई विल चिल, मेक सम मोर वीडियोज फॉर यू एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर।